मान्यवर, अभी बात निकली गरीब कल्याण की। हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही थी। मान्यवर, गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, गरीबी जस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में, नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झोपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता। कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, पांचवें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज वो घर की महिलाएं आहत होती थी मान्यवर, इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़ पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे, भरी जुवानी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12 करोड़ 65 लाख घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना, 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े ऐसी व्यवस्था।